यार कैसे हो। तो फिर से हम आ चुका है एक ब्रांड न्यू न्यू द ब्रांड टॉपिक की वीडियो में। तो यार फाइनली टुडे 4G गेम रिलीज हो चुका है। जैसे कि एनकोर गेम से बताया था 26 तारीख को, यानी कि आज गेम को रिलीज करेंगे। तो भाई लोग रिलीज हो चुका है 4G गेम। तो यार आज का इस वीडियो में मैं आप लोग को प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, और इसी के साथ साथ इस गेम का फास्ट लुक कैसे होने वाला है और इस गेम का गेम प्ले भी मैं आपको खेल के दिखाऊंगा। तो यार उसके पहले नीचे जो लाल वाला बटन है उसका सिर्फ कलर चेंज कर दो, कुछ नहीं करना, सिर्फ कलर चेंज कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं आज का हमारा वीडियो की टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले मैं आप लोग को प्ले स्टोर में जाकर फौजी गेम को डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैंने तो इंस्टॉल कर तो सबसे पहले मैं आप लोग को प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो प्ले स्टोर में जाने के बाद मैं इधर लिखता हूँ फौजी, और फौजी लिखने के बाद देख सकते हो मैं पहले से इंस्टॉल कर रखा है। तो इधर से आप इंस्टॉल कर लेना, ये 400 MB का गेम है। तो भाई लोग मैं भी इस गेम को पहली बार खेल रहा हूँ, तो मैं शायद गेम के अंदर जाकर बात नहीं करूँगा क्योंकि इसका जो साउंड है तो हम लोग सभी मिलके एंजॉय करेंगे, तो इसलिए मैं गेम के अंदर जाके बात नहीं करूँगा। तो यार अभी चलो भाई फौजी गेम को ओपन करते हैं। पंद्रह जून दोपहर 2 बजे गलवान घाटी हिमालय की ऊंचाइयों पर भारतीय सीमा का एक सुदूर वीरान इलाका। कॉर्पोरल अहमद बेस को खबर देते हैं कि फॉरवर्ड पोस्ट से झंडा नदारद है। सर देखिए वहाँ और भी हैं। पर्वतों पर उस दिन फौजी कमांडोज अकेले नहीं थे। दुश्मन सैनिकों ने गिरते पत्थरों की आग लेकर फौजी यूनिट पर धावा बोल दिया। कबीर बेस कैंप स्क्वाड 3 का भारतीय क्षेत्र में घुसपैठियों से सामना हुआ। रिपीट, स्क्वाड 3 का दुश्मनों से सामना हुआ। लेफ्टिनेंट सिंह की पेट्रोल 3 टीम को जिस आखिरी विरोधी का सामना करना पड़ा वो थे भूस्खलन से गिरे पत्थर और चट्टान, और फिर अंधेरा छा गया। 6 घंटे बाद जब लेफ्टिनेंट सिंह की आंख खुली तो उनका सर चकरा रहा था। पहाड़ से हुई पत्थरों की उस बौछार से खरोंचों और घावों के साथ उनके सर पर भी चोट आई थी। अहमद ढिल्लो रवि, फिर भी उनकी हालत उन दोनों फौजी भाइयों से बेहतर थी जो उनके पास बर्फ में शहीद हो चुके थे। कम से कम वो जिंदा तो थे। भारतीय सेना बिना लड़े कभी हार नहीं मानती और फौजी कभी पीछे नहीं हटता। ये लड़ाई ऐसे खत्म नहीं होगी, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। बहादुरी, भाईचारे और भारत के लिए फौजी। Ah!
तो यार बस आज के लिए इतने, वीडियो को कैसा लगा जरूर कमेंट करना और प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई इस चैनल पे मैं फौजी रिलेटेड और भी बहुत सारा जानकारी लेकर आऊँगा और भी बहुत सारा जो गेम है उस गेम रिलेटेड वीडियो लेकर आता हूँ इस चैनल पे। तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आपका ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।